नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र अंतपुर बीएसिया गांव के पास गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य प्रगति पर है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में चैनल नंबर 71943 पर असलम नाम के ठेकेदार द्वारा पुल का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ठेकेदार असलम पुत्र मेहदी हसन का आरोप है कि स्थानीय ग्रामीणों द्वारा आए दिन हमारे सामानों को चोरी किया जा रहा है, जिसके संबंध में पुलिस से शिकायत की गई तो पुलिस द्वारा हिला हवाले की जा रही है। बताते चले कि चोरी के संबंध में पीड़ित ठेकेदार ने थाने पर नाम से तहरीर दी है और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ठेकेदार का कहना है कि इसके पहले भी कई बार चोरियां हो चुकी हैं, जिसके संबंध में वह पुलिस से शिकायत भी किया, लेकिन पुलिस द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई, इससे चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वही स्थानीय पुलिस का कहना है कि प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, मामले की जाँच की जा रही है, जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनाते हैं कि असलम ठेकेदार ने क्या कुछ कहा। आपका जी? मेरा नाम असलम है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बनभरिया के रहने वाले हैं। फिलहाल आप यहाँ काम कहाँ करवा रहे हैं? यहाँ अनंतपुर बेसिया गांव में। अनंतपुर बेसिया गांव जी। थाना क्षेत्र अतरौलिया। क्या समस्या है आपको? हमारी समस्या ये है सर जी कि हम यहाँ पे लगभग हमको काम करते हुए 8 से 9 महीने हो रहे हैं। आए दिन चोरियों पे चोरी होते हुए जा रही है। हम कंप्लेंट कर रहे हैं लेकिन थाने की तरफ से हमें कोई सर रिएक्शन नहीं मिल रहा है, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा हमें। ये एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहा जी, गोरखपुर एक्सप्रेसवे लिंक का निर्माण हो रहा है। अच्छा, इसमें आप लोग ब्रिज का निर्माण जी? इस पर हम लोग ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं। अच्छा, तो आप क्या चोरी हो रहा है सामान? सर हमारा यहाँ से सर यू जग है, कपलर है, सेटिंग मटेरियल है, टोटल ये सब चीज़ चोरी हो रही है। SMB है जिससे हम सेटिंग का माल चढ़ाते हैं, उसके ऊपर उससे लेंटर डालते हैं। हमारा यानी कि A to Z सामान जो उनके चोरों के हाथ में जो चीज़ आ रहा है वो लोग उसको लेकर चले जाते हैं। वो लगभग कितने का सामान अब तक आपने? लगभग हमारा माल अब तक सर जी 6 महीने से लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास माल जा चुका है। हम काफ़ी परेशान हो चुके हैं, थाना पुलिस बहुत कई बार हम जा चुके हैं सर जी, कोई हमें फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए हम पत्रकारिता के जरिए सर हम मदद चाहते हैं। थाने पर आप गए जी, तो थाने पर SO साहब क्या कहे? सर थाने पर हम गए, SO साहब ने हमारी जो है अर्जी ले ली, लेकिन यहाँ पर उनका कोई ना फ़ोन आया न कोई, यानी हमने नाम दिया थाने में, वहाँ से किसी को उन्होंने उठाया भी नहीं। और 100 डायल 112 आई हुई थी, उसके सामने माल बरामद हुआ, उल्टा हमें ही वो चोर बना रही है। कहाँ बरामद हुआ माल? माल ये अनंतपुर बेसिया में ऊख का खेत, उसी में। अच्छा, गन्ने खेत? जी गन्ने खेत। तो कितना वहाँ से माल आपका बरामद हुआ? लगभग हमारा माल वहाँ पे सर जी लगभग 2.5 क्विंटल के आसपास माल बरामद हुआ जी। बाकी माल नहीं मिला? बाकी नहीं मिला। तो वो माल आप अपना ले आए? जी वो माल हम अपना उठा लेके आए। डायल 112 हमारे पर दबाव बोले इसको लेके अपने साइड पे लेके चले जाओ, तो हम अपने साइड पे लेके आ गए इसको। तो आप जो है आप क्या चाहते हैं? सर हमें चाहते हैं हमें कानूनी मदद मिले सर। हमने जिसका नाम से FIR किया है उसके नाम सर उसको उठाया जाए, उससे जो है इसलिए हमारा सामान जो उठाया वो दिया जाए। जी मेरा मुकदमा दर्ज हुआ? नहीं अभी मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। तो आप चाहते हैं कि कार्रवाई हो? जी कार्रवाई हो। चलिए ठीक।